हेलो गाइस वेलकम टू आर चैनल मा दी एजुकेशन बीन मैं आप मेरा नाम श्रुति अग्रवाल है मैं आप लोगों के लिए सिक्वेंस सीरीज़ पर पूरी प्लेलिस्ट लेकर आई हूँ ये मेरी सेकंड वीडियो है फर्स्ट वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था सीरीज़ प्रोग्रेशन एंड सीक्वेंस के बीच का डिफरेंस इनके बारे में और हम इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है प्रोग्रेशन के बारे में हमने पढ़ लिया था कि प्रोग्रेशन क्या होता है इस वीडियो में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है तो प्रोग्रेशन क्या होता है कोई भी सिंपल सिर्फ प्रोग्रेशन की बात कर रही हूँ मैं प्रोग्रेशन क्या होता है कोई भी सिक्वेंस जो मैथामेटिकल पैटर्न के ऊपर बेस्ड हो जिसके अंदर कोई भी मैथामेटिकल पैटर्न लग रहा हो उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं ठीक है जिसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल पैटर्न लग रहा हो उसे हम प्रोग्रेशन बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसमें हम ये पढ़ेंगे जैसे कि एक सिक्वेंस है टू फोर सिक्स एट टेन ये प्रोग्रेशन है क्योंकि इसमें मैथमेटिकल रूल लग रहा है ये क्या है मल्टीपल ऑफ टू है मैथमेटिकल रूल है ये अर्थमेटिक है कि नहीं क्या हम चेक करेंगे हम टर्म्स के बीच का डिफरेंस चेक करेंगे ठीक है जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसके अंदर जो टर्म्स होती हैं उनके बीच का डिफरेंस सेम होता है टू फोर माइनस टू इज़ टू सिक्स माइनस फोर इज़ टू एट माइनस सिक्स इज़ टू टेन माइनस एट इज़ टू ठीक है तो सबका डिफरेंस सेम है तो डैट मीन्स ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है फॉर एग्जाम्पल हम इसमें एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं फोर एट सिक्सटीन ट्वेंटी ठीक है ये मेरा एक सिक्वेंस है मुझे बताना है कि ये ए पी है कि नहीं ए पी ए पी फॉर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए फॉर अर्थमेटिक एंड पी फॉर प्रोग्रेशन ओके ये ए पी है या नहीं है ये बताना है तो मैं कैसे चेक करूँगी मेरा ए वन क्या है फोर ए टू एट ए थ्री मीन्स थर्ड टर्म सिक्सटीन ए फोर ट्वेंटी फोर्थ टर्म मुझे बताना है कि एपी ए पी है या नहीं तो मैं चेक करूँगी ए टू माइनस ए वन डेट मीन्स एट माइनस फोर फोर आया ए थ्री माइनस ए टू डेट मीन्स सिक्सटीन माइनस एट वेट इधर बीच में ट्वेल्व भी आएगा ठीक है डेट मीन्स ट्वेल्व माइनस एट तो ये कितना आया फोर आया फिर मैं चेक करूंगी ए फोर माइनस ए थ्री इसमें ए फोर मेरा ये ट्वेल्व है और ए फोर मेरा इसमें सिक्सटीन है ओके सॉरी हमने थोड़ा गलत लिख दिया था फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी ठीक है तो ए फोर माइनस ए थ्री कितना हुआ सिक्सटीन माइनस ट्वेल्व ये भी फोर आया तो हम नोटिस कर रहे हैं कि डिफरेंस सेम आ रहा है जब भी डिफरेंस सेम आता है हम उसे ए पी बोलते हैं और इस डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस और ये डी से डिनोट होता है किससे डी डिनोट होता है स्मॉल डी से हम उसे डिनोट करते हैं डी ठीक है अगर हमें बताना है कि कोई सीक्वेंस ए पी है या नहीं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है नहीं हम उसका कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं दो टर्म्स के बीच का ठीक है अगर वो सेम आ जाता है तो वो ए पी है फर्दर इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि ए पी की जनरल टर्म क्या होती है जनरल टर्म ऑफ एन ए पी जनरल टर्म मतलब कि जनरलाइज किया लास्ट टर्म जैसे हमने एक एक सीक्वेंस है ए वन ए वन ए टू ए थ्री एंड सो ऑन ये लास्ट टर्म ए एन तो जनरल टर्म की मेरे को अगर कोई भी टर्म बतानी है मुझे बताना है ए टू तो मैं कैसे बताऊँगी एकदम से अगर मुझे इसी के बीच में बताना है ए टेन तो हाउ कैन आई टेल ठीक है तो इस इसके लिए एक जनरल टर्म होती है ठीक है जनरलाइज्ड फॉर्म होती है जिसके बेसिस पर जिसका यूज़ करके हम कोई भी टर्म बता सकते कि, कि किस टर्म की वैल्यू क्या है उसे हम कैसे पहले मैं उसे डिराइव करना सिखाऊंगी कि वो कैसे निकलती है मतलब होता क्या है एक्चुअल में जैसे कि वेट जैसे यही सीक्वेंस ले लेती हूँ टू फोर सिक्स एट और टेन ये मैंने एक सीक्वेंस लिया टू मेरा इसमें मेरी फर्स्ट टर्म क्या है टू ए वन मेरा टू है ए टू मेरा फोर है ए थ्री मेरा सिक्स है ए फोर एट है एंड ए फाइव टेन है ओके ए वन टू है इसे मैंने ए से डिनोट किया ये फोर है इसे मैं लिख सकती हूँ टू प्लस टू तो ये ए प्लस डी आ गया अब पहले चेक कर लेना कि कॉमन डिफरेंस क्या है सबके बीच का डिफरेंस क्या है टू टेन माइनस एट टू होता है एट माइनस सिक्स टू होता है सिक्स माइनस फोर फोर माइनस टू सब डिफरेंस है तो यहाँ पर मेरा डी टू हो गया डी टू हो गया और ए फर्स्टम टू ठीक है अब ये इसलिए मैंने इसे ए प्लस जी लिख दिया ए इसे डिनोट क्योंकि ये ऊपर आ चुका है मैंने इसे मैंने इक्वल्स टू ए लेट किया था फोर से ऐसे बोल लो कि ये ए है तो ये ए प्लस जी हो गया अब नेक्स्ट टर्म सिक्स है तो इसे मैं लिख सकती हूँ टू प्लस फोर फदर मैं इसे लिख सकती हूँ टू प्लस टू इन टू टू तो इसे मैं कैसे लिखूँगी टू किसके लिए ए प्लस ये वाला टू एज इट इज़ और ये क्या है डी डी की वैल्यू टू है मेरी तो ए प्लस टू डी ऐसी इसे मैं लिख सकती हूँ टू प्लस सिक्स इसे फर्दर मैं लिख सकती हूँ टू प्लस थ्री इंटू टू थ्री टू जहा सिक्स होता है ना ये टू प्लस तो ये इधर मेरा ये ये क्या है ए है मेरा प्लस ये थ्री टू जा, तो ये थ्री एज इट इज़ और ये डी क्या है मेरा टू है तो ए प्लस थ्री डी इसे मैं लिख सकती हूँ टू प्लस एट तो ये क्या हुआ टू प्लस इसे मैं लिख सकती हूँ फोर इंटू टू तो ये हुआ ए टू की जगह टू की जगह ए प्लस फोर और डी मेरा टू था तो इसे मैंने इस फॉर्म में लिख लिया ठीक है इसे मैं आगे आपको और समझाती हूँ कि इसमें हम करते कैसे तो मेरी फर्स्ट टर्म ए आई थी सेकंड ए प्लस जी आई थी थर्ड मेरी ए प्लस टू डी आई थी फोर्थ मेरी ए प्लस थ्री डी आई थी ठीक है एंड मेरी फिफ्थ टर्म आई थी ए प्लस, थी ए प्लस फोर डी इधर देख लेते हैं एक बार दिखा देती हूँ देखो फर्स्ट टर्म हमारी ए आई थी सेकेंड टर्म ए प्लस डी थर्ड टर्म ए प्लस टू डी फोर्थ ए प्लस अब अब इसमें मुझे लिखना है तो ए वन मेरा क्या आया ए जब वन था तो ए इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ ए प्लस वन माइनस वन डी लिख सकती हूँ जो क्या हो जाएगा ए प्लस जीरो इंटू डी तो ये ए ही आएगा ए प्लस जीरो इक्वल्स टू ए ही आएगा तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ दूसरा देखो ए टू ए टू क्या है ए प्लस डी इसे मैं लिख सकती हूँ ए प्लस टू माइनस वन डी ऐसे लिख सकती हूँ तो ये क्या हो गया ए प्लस वन इन टू डी तो ये आ गया ए प्लस डी यही आ गया तो मैं इसे इस फॉर्म में लिख सकती हूँ सिमिलरली मैं ए थ्री को लिख सकती हूँ ए प्लस टू डी तो ए प्लस थ्री माइनस वन डी लिख सकती हूँ इस टू को मैं थ्री माइनस वन लिख सकती हूँ यहाँ पर वन था तो वन को मैंने टू माइनस वन लिखा था टू को मैं थ्री माइनस वन लिख सकती हूँ ठीक है सिमिलरली ए फोर को ए प्लस थ्री डी है तो मैं इसे ए प्लस फोर माइनस वन डी लिख सकती हूँ तो इसी तरह ए एन है अगर कोई एन टर्म है ठीक है तो उसे मैं क्या लिखूँगी ए प्लस ध्यान से देखें तो यहाँ वन था तो ये वन आया यहाँ टू है तो यहाँ ये यह टू आया ये थ्री है तो यहाँ ये यह थ्री आया ये फोर है तो यहाँ ये यह फोर आया नोटिस किया कि सब में बस ये एन की वैल्यू एक तरीके से ये नंबर ऑफ टर्म्स कि हम कौन सा टर्म पूछ रहे हैं वो आया माइनस वन बाकी सब कुछ सेम ही है हर किसी के अंदर तो इसमें मैंने लिखती हूँ एन माइनस वन डी इससे मैं सिले तो ये मेरी जनरल टर्म हो गई अब मुझे किसी भी सीक्वेंस की कोई टर्म निकालनी तो वो मैं निकाल सकती हूँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ एक सिक्वेंस ले लूँ थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व सो ऑन ये मैंने सिक्वेंस ली है इसके अंदर मैंने फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म दी है अगर मुझे इसकी फिफ्थ टर्म निकालनी है अलग ए फाइव तो मैं कैसे निकालूँ पहले मुझे इसमें देखना पड़ेगा ए क्या है इसकी फर्स्ट टर्म ए को बोलते हैं तो थ्री डी क्या है डी कॉमन डिफरेंस सिक्स माइनस थ्री कितना है थ्री तो मैंने इसके अंदर ए फाइव के अंदर पुट किया तो ए थ्री प्लस फाइव माइनस वन और डी डी कितना है इंटू थ्री तो थ्री प्लस फोर इंटू थ्री तो ट्वेल्व प्लस थ्री फिफ्टीन हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ठीक है ये हमारी जनरल टर्म हुई इसमें हम आगे पढ़ेंगे सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन ए पी ये तो मैंने जनरल टर्म बताई थी कि हम किस तरह किसी भी टर्म को निकाल सकते हैं ए पी के बीच कि अब मुझे इसके आगे कोई भी टर्म निकालेंगे तो मैं निकाल सकती हूँ तो ए एन का फॉर्मूला यूज़ करके ही मैंने डिराइव करा दिया ए प्लस एन माइनस वन डी ठीक है एन पर जो हमें टर्म निकालनी है वो यूज़ करेंगे सम ऑफ एंड टर्म्स ऑफ एन ए पी मतलब ये एक ए पी है ए ए प्लस डी ए प्लस टू डी सो ऑन लास्ट टर्म ए प्लस एन माइनस वन डी ये एक ए पी है इसकी टर्म्स का सम क्या होता है ये निकालना अब बहुत सारे टर्म्स वाला कोई ए पी है ये मुझे नहीं पता इसमें कितनी टर्म्स हैं तो मैं इसका सम कैसे निकालूंगी जैसे कि ये एक ए पी है वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन ये मेरा नाइन्टी नाइन तक है तो मैं इसका सम कैसे निकालूंगी एकदम से मुझे याद थोड़ी ना है तो इसे निकालने के लिए हम क्या इसके निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे सम मतलब क्या होता है एडिशन तो हम हाँ इसी से स्टार्ट होते हैं कि हमें इसका एडिशन करना है इसे मैं आपको फर्दर यहाँ समझा देती हूँ कि हमें एडिशन करना है तो जैसे कि ए पहली टर्म सेकेंड टर्म ए प्लस डी थर्ड टर्म ए प्लस टू डी फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी एंड सो ऑन लास्ट टर्म इज ए प्लस n माइनस वन डी ये हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ा हमने इसी वीडियो में पीछे पढ़ा है ये आ गया अब मुझे एडिशन करना है सम

इस लास्ट टर्म को मैं एल भी लिख सकती हूँ तो फर्दर ये क्या हुआ ए फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म ए प्लस डी थर्ड टर्म मेरी आई ए प्लस टू डी और अगर मैं लास्ट टर्म पर फोकस करूँ अगर ये मेरी एल है तो इससे पहली वाली क्या होगी एल माइनस डी प्लस डी तो करते हैं हम उससे पहली वाली क्या होगी एल माइनस टू डी ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि ये एक सिक्वेंस है फोर सिक्स एट टेन ठीक है तो ये मुझे ये टर्म गिवन है और मुझे ये निकालनी है तो मैं क्या करूँगी माइ इसके बीच का डिफरेंस कितना है टू तो माइनस टू ही तो करूँगी लास्ट टर्म के अंदर टेन के अंदर माइनस टू करूँगी तो मुझे ये मिल रहा है ना तो ऐसी अगर लास्ट टर्म एल है मैंने एल मान लिया इसकी जगह क्या मान लिया एल लास्ट टर्म डिनोट कर रहा है ये मेरा एल ठीक है लास्ट टर्म एल मान लिया तो इससे पहले टर्म एल माइनस ही तो होगी ओके आई होप क्लियर हो गया होगा मैं क्या समझाना चाह रही हूँ तो ये मेरी एस एन की वैल्यू है अब इसी को अगर मैं रिवर्स कर दूँ क्योंकि एडिशन है एडिशन में ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है एडिशन कम्यूटेटिव होता है तो फ़र्क ही नहीं पड़ता कि मैं आगे पीछे कैसे भी लिख दूँ ठीक है एडिशन है तो मैं अगर इस पूरे सिक्वेंस को रिवर्स कर दो तो सेम ऐसी ही आएगा एल प्लस एल माइनस डी प्लस इसकी जगह एल माइनस टू डी हो जाएगा यहाँ पर ट्वाइस ऑफ डी तो माइनस करेंगे तो एल माइनस टू डी ठीक है प्लस सो ऑन प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस डी प्लस ए मैंने रिवर्स किया ना जो लास्ट टर्म यह, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पे लास्ट टर्म बना दी यहाँ पे जो सेकंड टर्म है वो यहाँ पर, लास पर सेकंड लास्ट ऐसे मतलब मैंने उल्टा लिख दिया मतलब ऊपर वाले सीक्वेंस को मैंने रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया कि ये फर्स्ट टर्म बन गई ये सेकंड ये थर्ड ये सेकंड लास्ट ठीक है मैंने इन्हें ब्रैकेट्स में डाल दिया जिससे कन्फ्यूजन ना हो आप लोगों को ठीक है लास्ट हम इसे मैंने फर्स्ट मार्किंग दे दी और इसे मैंने सेकेंड मार्किंग दे दी दोनों को ऐड कर दिया ठीक है अगर जब मैं इन्हें ऐड करूंगी फर्स्ट प्लस टू तो क्या आएगा ए प्लस एल इसको इससे ऐड किया ए प्लस एल प्लस इसे किया तो डी से डी कट जाएगा डी प्लस का यहाँ माइनस का कट जाएगा तो ये भी ए प्लस एल आया प्लस फर्दर यहाँ पर टू डी से माइनस टू डी कट जाएगा तो ये भी ए प्लस एल आया ठीक है फर्दर अगर हम आगे जाएंगे सिंपल लास्ट वाले टर्म पे जाते तो ये भी ए प्लस एल आया मैंने इसमें सिंपल ये लास्ट वाले टर्म लिए ये दो इन दोनों को तो ये भी ए प्लस एल आया तो ये ये ए प्लस एल कितनी बार आया होगा एन टाइम्स एन टाइम्स आया होगा और ये मैंने इन दोनों को एड किया तो ये भी एस एन प्लस एस एन क्या होगा टू एस एन होगा और ये एन टाइम्स आया होगा तो इसे मैं कैसे लिख सकती हूँ टू एस एन इक्वल्स टू एन इन टू ए प्लस एल ऐसे लिख सकती हूँ मैं इसे कि एन टाइम्स है ना अगर मैंने कहीं पर ए को फोर टाइम्स लिखा है तो मैं इसे फोर ए लिख सकती हूँ इसी तरह मैंने ए प्लस एल को एन टाइम्स लिखा तो मैं एन इन ए प्लस एल लिख सकती हूँ ना तो ये हो गया तो मेरे पास एस एन की वैल्यू क्या आ गई एस एन इक्वल्स टू एन टू ए प्लस एल ठीक है ये एस एन की वैल्यू आ गई और फर्दर ये मेरा एल क्या है यही बताया था लास्ट टाइम मैं इसको डोनेट कर रही हूँ एल से तो यहाँ पर इसे लेकर रख दिया तो ये क्या हो गया एन बाई टू ए प्लस ए प्लस एन माइनस वन डी तो फर्दर ये क्या आ गया एन बाई टू ए प्लस ए इस टू ए प्लस एन माइनस वन डी तो ये मैंने डिराइव कर दिया सम का फॉर्मूला होता है किसी भी मुझे सम निकालना हो किसी भी का किसी भी टर्म कैसे इसी का निकालना था तो इसका सिखाते हैं एस एन मेरा आया था एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन डी ये रिमूव कर दो कि मुझे लास्ट टर्म भी नहीं पता लास्ट टर्म भी नहीं पता है और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है मुझे ये लास्ट टर्म नहीं पता और मुझे नंबर ऑफ टर्म्स पता है कैसे मैंने बोला कि सम ऑफ सेवन टर्म्स सेवन टर्म्स का सम निकालो तो मैं कैसे निकालूंगी एस सेवन इक्वल्स टू सेवन बाई टू ए क्या है मेरा इसके अंदर वन प्लस एन क्या था सेवन तो सेवन माइनस वन और डी मेरा क्या है टू माइनस वन इज़ वन इंटू वन तो ये क्या आया सेवन बाय टू वन प्लस सिक्स इंटू वन तो ये मेरा आया सेवन बाय टू इंटू वन प्लस सिक्स इज सेवन तो ये आ गया फोर्टी नाइन बाय टू तो ये मेरा सम हो गया सेवन टर्म्स ऑफ दिस ए सॉरी यहाँ पर टू ए आएगा ट्वाइस ए टू प्ल एन माइनस डी तो यहाँ ट्वाइस हो जाएगा तो यहाँ भी यहाँ ट्वाइस हो गए तो टू प्लस सिक्स वेट यहाँ गलत गड़बड़ हो गई वेट वेट टू ए प्लस एन माइनस डी था तो यहाँ ट्वाइस हो गया तो यहाँ भी ट्वाइस कर देंगे तो ये हो गया सेवन बाय टू और ये टू प्लस सिक्स इंटू वन तो ये आ गया सेवन बाई टू टू प्लस सिक्स और ये फर्दर आ गया सेवन बाई टू टू प्लस सिक्स इज एट तो टू वन जो टू फोर जो तो सेवन फोर जो ट्वेंटी एट ये आंसर हो गया ठीक है इसका कि सम ऑफ सेवन टर्म्स ऑफ दिस ए पी तो मैंने इस वीडियो में इतना ही रखा था मैंने इस वीडियो में आपको ए पी के बारे में पूरा पढ़ा दिया है कि ए पी में क्या क्या होता है उसके टर्म्स कैसे होते हैं सम एंड उसकी जनरल टर्म अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल द एजुकेशन बिन थैंक यू फॉर वॉचिंग